हाय देयर, आई एम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन अकेडमी। सो आज का टॉपिक ये है कि केओस ब्राउज़र में, ठीक है ना, कॉस्मोस ब्राउज़र में जो अपना लाइब्रेरी खुलता है वो बहुत लोगों का खुलता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली एक ऐसा एरर है, तुम कुछ भी करो वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। अभी सामने ये जो एरर अपने दिख रहा है ना, ये एरर आपको बार बार आते रहेगा अगर तुमने इस तरीके से काम, मतलब जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया हुआ है, अगर उस तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन किया तो अपने को सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि इसका जो एरर आ रहा है ना, इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। वीडियो को ठीक तरह से देखना ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम प्रॉपर समझे, और आपके पास ये अगर प्रॉब्लम आया तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। ओके, सो कॉस्मोस ब्राउज़र जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो कॉस्मोस ब्राउज़र इज़ लोडिंग फाइन। तो ऐसा एंटिसिपेशन होता है कि इसके बाद ब्राउज़र स्टार्ट होगा, और ये देखो ये हर वक्त का ये प्रॉब्लम है, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद केओस कॉस्मोस, हर वक्त का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जब भी स्टार्ट करो, 3D Max रिस्टार्ट करो, फिर ब्राउज़र स्टार्ट करो, कॉस्मोस ब्राउज़र स्टार्ट करो, फिर भी नहीं आता है। सब लोगों में, मतलब जनरली बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था कि कॉस्मोस ब्राउज़र उनके पास स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं उनके साइट पे गया। अभी देखो ये सामने दिख रहा है विजिट कॉस्मोस ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये कॉपी किया लिंक, मैंने उसका हेल्प फाइल पढ़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने ये पूरा हेल्प फाइल पढ़ा, पूरा ट्रबल शूट पूरा पढ़ के निकाला, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्यों आ रहा है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ कॉस्मोस ब्राउज़र। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ये सारा चीज़ पढ़ के मैं देखा कि यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ भी अवेलेबल है और उनको सॉल्यूशन मिल भी रहा है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन उनको मिल नहीं रहा है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, बट यही चीज़ अगर मैं फॉलो करता कहूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, बट मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो मुझे लगा शायद मैं किधर तो गलती हो सकता हूँ, राइट। मैंने वापस फ्रेश इंस्टॉल किया एज पर केओस ओके हेल्प डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने बोला वापस इंस्टॉल करो, तो वापस इंस्टॉल किया। वापस इंस्टॉल होने के बाद भी ओके, बाद भी मेरा ब्राउज़र स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैंने वापस 3D Max स्टार्ट किया, देखो फ्रेशली, तो उन्होंने कहा है सीबी सर्विस चालू करो, सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स के उस कॉस्मोस ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, तो आपका ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हेल्प फाइल में क्लियरली लिखा हुआ है, यूट्यूब में वीडियोज़ भी हैं, उनका तो स्टार्ट हो भी गया है, बट स्टिल मेरा कॉस्मोस ब्राउज़र स्टार्ट नहीं हुआ। दिस इज़ ठीक है, कुछ भी करो, सेटिंग में जाओ, रिफ्रेश करो, कुछ भी करो। सो अब मैंने क्या किया, मैं स्टार्ट में गया, ठीक है। स्टार्ट में जाने के बाद, मतलब नीचे नीचे जो स्टार्ट ऑप्शन है वहाँ पे स्टॉप टाइप किया, स्टॉप ओके। स्टॉप टाइप करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप कॉस्मोस ब्राउज़र करके, ठीक से देखो, मैं वापस दिखाता हूँ। स्टॉप मैंने लिखा ओके, यहाँ पे देखो स्टॉप केओस कॉस्मोस ब्राउज़र ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो उससे क्या हुआ, पूरी तरह से केओस कॉस्मोस जो ब्राउज़र है ना, वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया मेरे सिस्टम पे। ओके, सो स्टॉप करने के बाद आपको जाना है सी ड्राइव में, फिर जाना है यूज़र में, फिर अगेन यू हैव टू गो टू यूज़र ओके, यूज़र के अंदर यूज़र मतलब आपका जो भी नाम होगा कंप्यूटर का, फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में उसके अंदर जाना है केओस कॉस्मोस फोल्डर में, याद रखो प्रॉपरली ओके। फिर उसके अंदर जाना है पैकेजेस में ओके, कॉस्मोस के अंदर जाना है पैकेजेस में। अब ये जो फाइल ना CPKG ओके, कॉस्मोस पैकेज इन शॉर्ट फॉर्म CPKG, इसको डिलीट करना है। जब तक ये डिलीट नहीं होगा आपका ब्राउज़र स्टार्ट नहीं होगा, इसको डिलीट मार दो, उसका डेटाबेस ही है, उसको डिलीट मार दो ओके। वापस आपको स्टार्ट में जाके स्टार्ट टाइप करना है, START स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे सामने दिख रहा है स्टार्ट केओस कॉस्मोस ब्राउज़र ओके, तो इसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको वो ब्राउज़र स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको वापस, लेट्स से 3D Max मैंने क्लोज किया था, उसको वापस स्टार्ट करता हूँ देखो, स्टार्ट कॉस्मोस ब्राउज़र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया मैंने,
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके क्या होता है, 100% स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो 3D Max में स्टार्ट करता हूँ और 3D Max स्टार्ट करके अभी हम देखेंगे स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ओके, सो ये हो गया मेरा 3D Max स्टार्ट। ओके, चलो तो यहाँ पे नीचे ब्राउज़र पे क्लिक किया और ये स्टार्ट हो गया। ओके, सो अभी किसी में भी स्टार्ट करो, क्लोज ब्राउज़र जो है वो इंडिपेंडेंट अलग होता है। तुम स्केचअप में स्टार्ट करो, रेबिट में स्टार्ट करो या 3D Max में स्टार्ट करो। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे स्केचअप में जाता हूँ और स्केचअप में साइमल्टेनियसली मतलब 3D Max का भी क्लोज ब्राउज़र स्टार्ट है और स्केचअप का भी स्टार्ट करते हैं। ये रहा, चलो ब्राउज़र स्टार्ट। ओके, तो इस तरीके से जाओ और ऐसा सॉल्यूशन प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसा सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।